नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां एंटी करप्शन टीम आजमगढ़ ने मंगलवार को सीओ लालगंज कार्यालय पर तैनात एक सिपाही व होमगार्ड को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आपको बता दें कि दोनों को सिधारी थाने पर लाकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है और मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। आपको बता दें कि टीम के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि लालगंज तहसील के मसीरपुर गाँव निवासी सूरज ने प्रार्थना पत्र दिया था कि एक मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर सीओ कार्यालय में तैनात सिपाही उमेश यादव व होमगार्ड राजेश कुमार 15,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। वहीं सूरज की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने योजना बनाया और सूरज के हाथों सिपाही उमेश व होमगार्ड राजेश को पैसा दिलवाया। इसके साथ ही टीम ने रंगे हाथों दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद टीम दोनों को अपने साथ बैठा कर सीधे सिधारी थाने लेकर पहुंची, जहां मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। टीम में श्याम बाबू, कैलाश चंद्र, हरिवंश कुमार, सुखवीर सिंह, विकास कुमार, कौशल कुमार राय, ओमकार सिंह, आनंद कुमार यादव, अमित सिंह, मुकेश कुमार, जितेंद्र कुमार, विनय यादव आदि लोग शामिल रहे। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।